जी कैसे हैं आप एकदम बढ़िया क्या हाल क्या चल रहा है बस सब बढ़िया आप अभी रिसेंटली गए थे इसरो हाउ वाज इट तो इसरो में अगला तुमने गए थे तुम भी तो गए थे हां मतलब ऑब्वियसली <laughs> हम भी गए थे बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग आई मीन काफी मजा आया आई एम श्योर sure तुमको भी आया होगा और गाइस आपको बता दूं अभी इसरो का जो ट्रिप था वो बड़ा मतलब एकदम फेंटेस्टिक धमाकेदार था एंड uh, uh, हमने काफ़ी जो है वो लंबी बातचीत करी यू नो इसरो चेयरमैन सोमनाथ सर के साथ में और बहुत इंसाइटफुल हमको नॉलेज मिला और ये सारा यू you नो know, आपके लिए वीडियो फॉर्म में आने वाला है बहुत जल्दी तो आप देखना और आई एम श्योर कि देर इज सो मच टू लर्न uh, अभी के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू आंसर द क्वेश्चन जो आपने पूछे थे यूजिंग हैश टैग बोलो गुरु जी और येस uh, yes, uh, जवाब देने वाला उनके तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं No. Mm -hmm.

ना चाहिए यार मतलब ना मोबाइल फोन में टू बी ऑनेस्ट अनलेस यू आर रेडी टू स्पेंड अनलेस यू आर रेडी टू टेक लॉसेस कि भाई हाँ फोन लिया था अब इतने कम में बेचना है एक्सचेंज करना है जो भी और मैं नया ले रहा हूँ तो मतलब वो अगर हम बात हटाए ना तो एटलीस्ट आपको दो साल तो मिनिमम यूज करना ही चाहिए तो पिक्सल सेवन मतलब यू नो अमेजिंग फोन काफी अच्छे उसके फीचर्स हैं तो थोड़ा सा अगर आप और यूज करोगे अगर आप पिक्सल नाइन में या टेन में अपग्रेड कर रहे हो तो यार यू नो मेक्स मोर सेंस अदरवाइज अगर लेना ही है लेटेस्ट तो फिर तो ले लो जाके आप अभिषेक पूछ रहे हैं व्हाई नॉट नॉट टेक 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 यूट्यूबर्स डूइंग कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन अरे कितने कोलैबोरेशन करेंगे यार कोलैबोरेशंस पता नहीं कितने किए हैं और कितने होते रहते हैं आपने शायद ढंग से देखा नहीं है आसपास और किस तरह के कोलैबोरेशंस चाहिए आप बताओ नीचे कमेंट में आपका क्या है यू you नो know, विजन इस चीज को लेके एंड आई विल मेक श्योर कि वो हम करके दिखाएं नितिन कह रहे हैं वो 60 आईफोन का क्या करने वाले हो और लास्ट संडे आपने बोला था कि सैमसंग का ही फोन लेना तो आप ही बताइए कि कौन सा लूं 20 से पच्चीस हजार में बजट थोड़ा टाइट है नितिन भाई थोड़ा सा अगर बजट टेंड कर सकते हो ना तो यार आपका एफ़ फ़िफ्टी फोर वगैरह एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा ऑफ़र वगैरह लगा के आप एक बार ट्राई करना अभी यू नो फ्लिपकार्ट वी सेल में क्या पता आपको उस रेंज में मिल जाए तो इट्स नो अमेजिंग देन जहाँ तक बात है साठ आईफोन का सा क्या करने वाले हैं भाई वो अभी तक मैंने भी सोचा नहीं टू तो बी ऑनेस्ट कुछ दिमाग में इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा है आप बताओ सोच के क्या आपको लगता है और फिर हम करते हैं कुछ प्लान

क्या मिलता है गौतम पूछ रहे हैं गुरुजी गूगल का बेस्ट फोन कौन सा है अंडर फिफ्टी के आई वॉन्ट टू न्यू फोन इन बीबीडी मैक्सिमम लोग मानते हैं कि इंडिया में गूगल इतना सक्सेसफुल नहीं है तो अगर कोई और उसके जैसा लाइक फोन फोन फीचर्स वाला फोन बता दो यार गूगल का जो पचास हजार के जन को फोन मिलेगा अभी तो देखो तो पिक्सल एट लॉन्च होने वाला है और पिक्सल 8 की प्राइसिंग लगता है की उसी रेंज में होगी जैसा हमने देखा पिक्सल सेवन के साथ में फॉर एग्जाम्पल तो वो आप देख सकते हो और जहां तक बात है गूगल के मार्केट की तो वो इंडिया में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग जो गूगल के पिक्सल फोन्स वगैरह को यूज़ करते हैं अगर आपको अल्टरनेट चाहिए तो वन प्लस देख सकते हो उसी रेंज में या फिर नथिंग फोन टू देख सकते हो उसी रेंज में जो आपको पिक्सल लाइक -like एक्सपीरियंस देंगे तो या दैट यू कैन ट्राई जगदीश पूछ रहे हैं व्हाई डोंट यू गिव फोन्स एज अ गिफ्ट कितने तो दिए और कितने तो देते हैं भाई ये कहाँ का इल्जाम लगा रहे हो आप अंगद कह रहे हैं सेल में आईफोन 14 लेना सही होगा या 13 या 13 प्रो 14 प्रो का तो बजट नहीं है तो क्या कर सकते हैं यार देखो एक बार डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में बजट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है मतलब देखो लेने को तो 13 ले लो 14 ले लो प्रो ये वो मतलब ऑप्शन देखो बहुत सारे हैं मार्केट में अब आपका बजट का हार्ड स्टॉप कहाँ है लेट से आपका बजट चालीस है अब चालीस में आप प्रो तो ले नहीं पाओगे आपको आईफोन फोन लेना पड़ेगा अब क्या आप उस चालीस को एक्सटेंड करके पचास कर सकते हो तो फिर फोर्टीन मिल जाएगा मतलब ये लो जब प्राइसेस पे जाती हैं तो मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज ओके टू हैव अ हार्ड स्टॉप कि नहीं भैया 40 की मेरी लिमिट है मैं इसके ऊपर जा ही नहीं सकता चाहे मेरे को 45 पे कुछ और मिल रहा हो तो आपके लिए आपका बजट का एक नो लिमिटेड होना बहुत जरूरी है वरना आप पैसे जोड़ते जाओ और मॉडल फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक और आते रहेंगे तो एक बार लेट द प्राइसेस कम एंड देन यू कैन डिसाइड फ्रेंड्स पूछ रहे हैं व्हेन कैन बी एक्सपेक्ट हुआवे बैक इन इंडिया नेवर

अब जहां तक बात है एप्पल जैसा बनने में या एप्पल से और आगे निकलने में देखो तो ऑलरेडी तो सैमसंग इको सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हैं तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उसमें एंटर करते हो अब आप अगर एप्पल इको सिस्टम में एंटर कर चुके हो और आप उसकी जरूरत हो तो आपको बहुत उसमें मजा आने वाला है सेम वे में अगर आपके पास भी सैमसंग का इको सिस्टम है आपके पास में सैमसंग की वॉच है या टी वी है फोन है सैमसंग का टैब है तो आपको उसके अंदर भी करंटली मज़ा आ रहा होगा तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप स्विच कर जाते हो बाकी इको सिस्टम ऑलरेडी सैमसंग काफी स्ट्रांग है यार

Uh, यार, uh, और और फ्लैट फ्लैट एंड यार इज प्रेफर्ड अगर कर्व कर्व हो तो बहुत ही स्लाइट कर्व्स मतलब वो ज्यादा वाला कर्व नहीं, वो एक जमाने में अच्छा लगता था बट उसके बाद में पता नहीं क्यों मुझे हमेशा फ्लैट पसंद आया uh, जैसे आईफोन देखोगे तो ऑफकोर्स फ्लैट है फिलहाल ये सैमसंग यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी बाहर का फोल्ड में फ्लैट है और अंदर का जो स्क्रीन है वो भी आपको पता है फ्लैट ही मिलता है uh, इससे पहले जो एस टू अल्ट्रा था उसके अंदर बहुत ही हल्का हल्का कर्व था तो आई मीन दैट इज गुड बट टू मच ऑफ कर्व पता नहीं क्यों मुझे इतना कंफर्टेबल लगता नहीं है एक टाइम पे बढ़िया था you know looks वगैरह के लिए एकदम ऐसा नया नया बट फ्लैट इज आई थिंक मोर कन्वीनिएंट या फिर बहुत ही स्लाइट कर्व तनमे जानना चाहता हूँ, व्हिच मैकबुक प्रो शुड आई बाय मैकबुक m1 प्रो 16 इंच और m2 प्रो 14 इंच और शुड वेट फॉर m3 प्रो यूसेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग मल्टीटास्किंग एटसेट्रा तन में बजट पे डिपेंड करता है और साइज भी डिपेंड करता है कि आपको 16 इंच का मैकबुक चाहिए या 14 इंच वाला चाहिए M2 Pro प्रो डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल होगा M1 Pro प्रो से और अगर आप वेट करोगे तो फिर तो एम भी आ जाएगा कितना वेट कर सकते हो वो आपके ऊपर है मतलब सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ना आई नो मार्केट में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है तो यार यू नीड टू डिसाइड कि आपको 14 इंच का लैपटॉप चाहिए या 16 इंच वाला चाहिए आई मीन डेफिनेटली मैटर ऑफ यू नो चॉइस बोलोगे दोनों ओके okay, हैं तो फिर देखो प्राइस कहाँ पे है और अगर लगता है प्राइस भी ओके okay, है तो जो नया वाला आपको वेरिएंट मिल रहा है M2 Pro वो ले लो और फिर M2 Pro आप सोलह इंच वाले में ले सकते हो इनफैक्ट तो लेना होता हो तो अगर तो आई मीन यू ऑलवेज नीड टू हैव योर रिक्वायरमेंट्स यू नो प्रिसाइजली डन एंड देन यू कैन मेक द चॉइस बाकी M3 का वेट कर लो बट um, प्रो वाला लाइनअप आने में थोड़ा टाइम लगेगा समीप कह रहे हैं आई एम प्लानिंग टू बाई अ गुड कैमरा फॉर माई यूट्यूब फॉर वीडियो एंड एंड फोटो आउटडोर प्लीज सजेस्ट माई बजटिंग आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है आप कोई वैसा माइक लोगे जो कैमरा के ऊपर लगता है शॉटगन स्टाइल तो वो रोड वगैरह लोगे तो वो भी अठारह बीस हजार का अगर ढंका लोगे तो और अगर आपको लेपल माइक चाहिए वायर्ड तो वो आपको बजट में मिल जाते हैं पंद्रह सौ दो हज़ार के बहुत सारे ब्रांड्स के आ जाते हैं बोया वगैरह के या अगर आप डी जी का वायरलेस माइक लोगे वो बहुत अच्छा होता है वो आई थिंक मेरे ख्याल से तीस हज़ार की रेंज का होगा इफ एम नॉट रॉन्ग तीस पैंतीस के आसपास ट्राईपॉड तो ठीक है आटमें ज़्यादा महंगा नहीं है डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी आप क्या ले रहे हो खेर ऑफकोर्स कैमरा मैं आपको बोलूँगा यार कि सोनी uh, का जो जी लाइन है वो ले सकते हो आप ब्लागर्स uh, के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा काफी अच्छा फ्रेंडली है और फ्लिप स्क्रीन वगैरह भी आप उसमें मिल जाता है और उसमें इंटरचेंजेबल लेंस वाला ऑप्शन भी आता है तो आपने अगर एक फिफ्टी एम वाला लेंस ले लिया साथ में तो आपका यू नो काफ़ी हद तक बाकी काम भी निकल जाएगा एंड बिकॉज मैं सोनी को सिस्टम में हूँ दैट reason I am saying Sony. Otherwise, uh, uh, Canon के अंदर भी आपको कुछ-कुछ मॉडल्स मिल जाते हैं। I think ATD आ जाता है नया या और कौन से? फिलहाल, to be honest, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है यार, because Canon से एकदम दूर हो गया हूँ। But uh, yeah. Last but not the least, Saqib ke rahe, I have a question. Which 2FA method is hack-proof for online account security? How can we keep our online accounts safe from hacking attacks without using hardware key because it is expensive? आ, यार इतनी एक्सपेंसिव नहीं है टू तो बी ऑनेस हार्डवेयर की मेरे भाई और जहाँ तक बात कर रहे हो हैक प्रूफ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हैक प्रूफ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑफकोर्स आप एस एम एस वाला यूज़ करोगे वो एक चीज़ है उसके अलावा आप चाहो तो गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ कर सकते हो वो जहाँ पे टाइमली कोड्स बार बार एक्सपायर हो जाते हैं तो वो एक आपके पास में और बेटर ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर uh, को यूज़ करने का लेकिन द बेस्ट इज़ कि आप एक हार्डवेयर की यूज़ कर लो ज़्यादा महंगी नहीं है आई थिंक दो हज़ार के अंदर आपको कीज़ मिल जाती हैं वो तो वो एक ही की होती है वो आपके सभी अकाउंट्स से आप लिंक कर सकते हो और इट्स द बेस्ट सिक्योरिटी मतलब नो कंपेयर टू एस एम के ऊपर ऑथेंटिकेटर और सबसे ऊपर वो की तो ये आप ट्राई कर सकते हो एंड आई थिंक ऑल द प्लेटफॉर्म सपोर्ट तो एक ही की आपका ट्विटर और फेसबुक और गूगल सब जगह पे काम आ जाएगी okay, so यही थे सवाल जिनके आपको मिल गए जवाब एंड आप बताओ कि आपको कैसा लगा एपिसोड अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपसे ऐसी बात करता रहता हूँ और ऐसे सवालों के जवाब देता रहता हूँ और फिलहाल मिलने वाला हूँ अगले एपिसोड में तब तक के जय हिंद वंदे मातरम